उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन सत्य को बड़ी कामयाबी मिल रही है। ऑपरेशन सत्य पर डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने बताया कि पुलिस प्रशासन को ऑपरेशन सत्य को लेकर काफी कामयाबी मिल चुकी है। ऑपरेशन सत्य पर क्या कुछ डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो इसमें लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनका अरेस्टिंग भी कर रहे हैं जी। और इसके अलावा मेन फोकस इस बात पे भी है कि जो यूथ है, स्टूडेंट हैं, जो नशे की ट्रैप पे हैं, उनको क्या रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है। जहाँ मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट है वहाँ उनको जो है उस तरह से हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। जहाँ लगता है काउंसलिंग की आवश्यकता है वहाँ उनको काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फोकस इसी बात पर है कि जो में यूथ है उसको भी हम लोग जो एक तरफ काउंसलिंग या मेडिकेशन के थ्रू जो है हेल्प प्रोवाइड करें, और साथ ही साथ जो इसमें प्रोफेशनली इन्वॉल्व हैं, पेडलिंग कर रहे हैं, इस कारोबार में लगे हुए हैं बड़े स्केल पर, उनके खिलाफ भी चूज़ कर रहे हैं। ये देखिए तब तक चलेगा जब तक कि हम इस पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर लेते हैं, एक ऐसा माहौल नहीं बन जाता है कि यहाँ पर नशा जो है उसको बेचना बड़ा मुश्किल हो गया है और हमारा यूथ है उसको हम बाहर निकाल पा रहे हैं, तब तक ये कार्रवाई हम लगातार चाहिए। देहरादून से मनोज कुमार की रिपोर्ट। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।